सब्जेक्ट शीट 31 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, टू क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 में एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, तो इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है आपको 1000 मीटर्स का और स्टेडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, वी स्क्वायर बाय आर, वी पता है आर पता है सर, कंपेयर का मतलब डिवाइड विद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या किया इसे आप, इसको पहले काम करें आप सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ही निकाल लें बस। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आपने निकाल ली, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन मान लो आपको सॉल्व करके मिल गई 6.38, ठीक है, या कुछ भी ऐसा मिल गया, कुछ भी मिल गई। कंपेयर करने का मतलब क्या है, कंपेयर करने का मतलब है इसको डिवाइड करना है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को विद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सपोज आंसर आएगा 6.38, मतलब एसी की वैल्यू जो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको यहां पुट करेंगे, 9.8 से डिवाइड करेंगे उस साइड को, तो ये आंसर आएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन 6.38 इनटू जी इज द आंसर। तो कंपेयर हो गया, कंपेयर में रेशियो निकाल दें तब भी सही है, 6.38 इज द आंसर। हाँ कैलकुलेशन बड़ी है, बात अलग है, पर समझ में आ रहा है यहां तो करना क्या, कंपेयर करने का मतलब डिवाइड कर दें बस, कंपैरिजन हो गया, रेशियो निकालते कंपैरिजन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 में स्टोन जिसका मास 1.3 केजी है इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये लो मास 1.3 केजी है और एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, फ्रीक्वेंसी कभी भी रेवोल्यूशंस पर मिनट में नहीं, बाय 60 RPS में कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो सॉल्व करके क्या आएगा 2/3 RPS, ठीक। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2π into frequency की जगह 2/3 रेडियंस पर सेकंड, तो ओमेगा आ गया। देखो फ्रीक्वेंसी से कुछ काम चलता ही नहीं, हमें ओमेगा तो निकालना ही पड़ता है। तो अब क्या कह रहे हैं, फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग, अभी सिखाया है, नोट में क्या लिखा है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा, वी तो गिवन नहीं है, तो टेंशन इज इक्वल टू मास की जगह 1.3 रेडियस की जगह 1 ओमेगा की जगह 2π into 2/3 का होल स्क्वायर आंसर, एक आंसर आ गया, टेंशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन वर्ल्ड अराउंड, मतलब अब ये केस, पहला केस तो खत्म हो गया, दूसरे केस में कह रहा है कि फिर से स्टोन को घुमाना है, इस बार मैक्सिमम स्पीड के साथ घुमाना है, बहुत तेज घुमाना है ताकि टेंशन मैक्सिमम 200 न्यूटन आ जाए, टेंशन मैक्स कितना आ जाए 200 न्यूटन, ये मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू है। एक बार फिर से, टेंशन क्या होती है, या तो एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर, फर्स्ट पार्ट में क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो मैंने फॉर्मूला लगाया एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में वी निकालना है तो टेंशन का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, अब क्योंकि वो वी मैक्स दे रहा है तो टी को भी क्या होना पड़ेगा मैक्स, अगर ये मैक्स तो ये मैक्स, तो आपको मैक्सिमम टेंशन के बी पार्ट है इसका, ए पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैक्सिमम टेंशन 200 है, मास 1.3 है, वी मैक्स आपको निकालना है और रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बने 1, तो यहां से सॉल्व करके वी मैक्स आ जाएगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में डाउट, ये बेंड क्या होता है, सड़क में बेंड क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, बेंड क्या होता है, इसमें काफी बार वर्ड यूज हो रहा है बेंड द रोड। हाँ गली जा रही थी, एक मोड़ आया, ऐसे गाना नहीं है, वो वाला मोड़ है ये, तो ये मोड़ आ गया इधर को, तो ये ऐसे वाला मोड़ नहीं आता, ये ऐसा मोड़ आता है, राउंड अबाउट आता है, तो बेंड इन अ रोड ये बेंड है, तो गाड़ी सर्कल में घूमेगी, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो बेंड इन अ लेवल रोड, रेडियस गिवन है, मैक्सिमम स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर, तो वो किया था लेवल रोड के ऊपर गाड़ी कैसे मुड़ती है, वी इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वो फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स क्वेश्चन में एयर का कितनों का हो गया देखो, पर ये तो मैंने करवाया नहीं एयरक्राफ्ट का, फॉर्मूला क्या लगाया मैं, एरोप्लेन की बेंडिंग तो करवाई नहीं ना। हाँ सेम है, देखो आप साइकिल पे, साइकिल ले लो बेंडिंग कर लो तो भी टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, आप बैंकिंग ऑफ रोड्स कर लो तो भी टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, आप प्लेन कहता है देखो जी ना तो मेरे हैंडल लगाए ना ही सड़क उठाने की जरूरत है, मैं खुद ही मुड़ जाऊंगा, तो जितना मुड़ूंगा मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो अगेन फॉर्मूला रिमेन सेम टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, तो सेम फॉर्मूला है, तो एयरक्राफ्ट तो नाम नाम का ही है, टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, देखो अ ट्रेन राउंड एन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड एट 30 मीटर एट अ स्पीड ऑफ वी गिवन, एक ट्रेन है वो ना अनबैंक्ड रेल्स हैं, ये रेल कैसा इमेजिन करोगे आप, एक्चुअल ट्रेन थोड़ा गोल घूमती है, कैसे आप सात सेक्टर जाओ, आप यहाँ मार्केट में जाओ, छोटे बच्चे ट्रेन ले रहे होते हैं तो वो रेल्स बनी होती हैं, देखा है चिंगारियाँ निकल रही होती हैं उसमें हल्की हल्की, तो रेल्स हैं, तो आप वो रेल्स की बात कर रहे हैं, वो रेल्स हैं तो जिसके ऊपर वो ट्रेन सी घूम रही है, छोटी टॉय ट्रेन घूम रही है, तो वो बैंकिंग नहीं हो रखी है, बिल्कुल फ्लैट है, और जब वो फ्लैट है उसमें रेडियस पता है और उसमें वी पता है, तो मास ऑफ द ट्रेन तो जो चाहिए नहीं, व्हाट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इंजन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल, नहीं इंजन को करता है, इंजन तो आगे भगाता है रेल को, ट्रेन को आगे भगाता है सेंट्रीपिटल थोड़ा, इंजन अगर होता फिर तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, बर्फ लगाओ, इंजन तो गाड़ियों में लगा हुआ है तो मतलब सर्कल में घूमेगी कार, नहीं तो इंजन नहीं है, या रेल्स, रेल्स रेल्स की फ्रिक्शन, रेल में जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। तो एक आंसर रेल की फ्रिक्शन है या रेल्स है। अब नेक्स्ट है, वो कह रहा है दी आउटर या इनर रेल्स, देखो ज्यादा जोर किस पे पड़ता है, मैंने आपको हमेशा आउटर रेल्स, आउटर रेल्स पे कैसे, मैंने बताया था कि सेंट्रल टेबल रख लो, नहीं रखना तो गोल एक बहुत बड़ी गली ले लो, है ना, गोल मान लो सर्कल में आपको घूमना है, जब गोल घूमोगे तो एकदम कुछ देर तो तेज भागोगे और बहुत तेज भागना है आपको, जब बहुत तेज भागना है तो कैसे भागते हैं, सपोज किसी ने ऐसा तेज भागो और फिर एकदम उड़ना है, देखो मैं आया फिर इधर मुड़ूंगा, मैं इस पैर पे जोर पड़ा मेरा, मैंने मुड़ना कहा था लेफ्ट, कौन से पैर पे जोर पड़ रहा है, राइट, ठीक, फिर मैं इधर मुड़ूंगा, फिर कोई कहे इधर मुड़ जाओ तो फिर राइट पे ही जोर, जब आपको लेफ्ट टर्न लेना है ना आपका राइट पे जोर पड़ना ही पड़ना है, करके देख लेना, और अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो राइट, राइट मुड़ना है तो लेफ्ट, राइट। अब गाड़ी का तो सेम सीन है, गाड़ी में क्या हो रहा है, ये रेल्स हैं ये रही, और ये गाड़ी या ट्रेन है, ये इनर व्हील्स हैं या आउटर हैं, तो जब ये लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो इसके कौन से व्हील्स पे जोर पड़ रहा है, राइट, तो आउटर की तरफ जोर पड़ रहा है, तो कौन सी ज्यादा घिसेगी पहले, वेयर एंड टेयर किसका होगा, आउटर, तो आउटर रेल की फ्रिक्शन ज्यादा यूज होने वाली है, तो आउटर रेल इज द आंसर। अगर आप वेयर टेयर नहीं चाहते कि हो, टायर ना घिसे, चिंगारियां ना निकले, तो आप क्या करोगे, आउटर रेल को थोड़ा ऊपर उठा दें, तो क्या हो जाएगी, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, तो नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा और ट्रेन इजिली सर्कल में घूम पाएगी, और वेयर टेयर भी नहीं होगा इस केस में, तभी तो सड़कों की तो हम बैंकिंग ऑफ ट्रैक करते ही हैं इसी रीजन की वजह से, तो ये रीजन है। तो विच रेल विल वियर आउट फास्टर, आउटर, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, जब कुछ समझ में ना आए टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, वो एक ही फॉर्मूला है बैंकिंग ऑफ बैंकिंग का, टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें। देखो कब हो गया इस टाइप की प्रॉब्लम में, पहली बात तो जो करेक्शन है, ये फोर नहीं है ये फोर्टीन है, एक क्वाइन पड़ा हुआ है फोर पे एक फोर्टीन पे, देखो सेम सेम अगर पड़े हुए हैं तो आंसर कैसे आएगा,
एक फोर्टीन देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टेक्निक समझते हैं। टेक्निक ये है कि आप मुझे आंसर दें कि सपोज आपके पास एक डिस्क है, ठीक, ये डिस्क सर्कल में घूम रही है विद ओमेगा, ये रही, ठीक है, फिक्शन है। अगर ये डिस्क ऐसे घूम रही है और मैं इसके ऊपर एक क्वाइन रख दूं, क्वाइन, तो क्या होगा? क्वाइन का टिकेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्वाइन उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक, और चलो अगर थोड़ी सी फ्रिक्शन है तब भी बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्क के पास, डिस्क रोटेट कर रही है, इसके पास क्या है? सेंट्रीपिटल। डिस्क रोटेट कर रही है तो सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां एड करेगी? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, तो टुवर्ड्स सेंटर। तो कॉइन तो समान है ना, उसके ऊपर पड़ा हुआ, तो इसके ऊपर किया था तो डिस्क वाली प्रॉब्लम भी की थी, तो कॉइन के ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स। कहां? आउटवर्ड सूडो फोर्स। कॉइन का मास अगर m है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? r ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कैन यू रिपीट दैट एक बार फिर से प्लीज। मैंने ये बताया कि ये डिस्क रोटेट कर रही है तो इसके पास सेंट्रीपिटल है। कहां कर रही है? टुवर्ड सेंटर। कोई भी चीज इसके ऊपर जब रखी जाएगी उसके ऊपर अवे फ्रॉम सेंटर एक्सेलरेशन लगेगी बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो लास्ट टाइम भी किया था, तो सूडो फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन किसकी जितनी डिस्क की है, तो डिस्क की कितनी एम आर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो लास्ट टाइम सूडो फोर्स हमने किया था, सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कहां करती है? अवे फ्रॉम सेंटर। तो डिस्क को मिलेगी सेंट्रीपिटल, क्वाइन को मिलेगी सेंट्रीफ्यूगल। डिस्क की फोर्स सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, क्वाइन की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। क्लियर है? अब अगर आप चाहते हैं कि क्वाइन रुके तो यहां पर क्या होनी चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रही है, तो फ्रिक्शन अगर सेंटर की तरफ लग गई तो फिर क्वाइन रुक भी सकता है। क्वाइन को रोकने के लिए कंडीशन क्या बनेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बड़ी होगी तो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? म्यू टाइम्स एम जे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो गया? कैंसल। म्यू इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, राइट? अब इसके अंदर म्यू इंटू जी, कई बार क्वेश्चंस के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जैसे डिस्क की फ्रीक्वेंसी गिवन है 33 1/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि 100/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो उस केस में आप पहले काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और यहां से क्या निकालेंगे? ओमेगा, 2π इनटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आ गया। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको म्यू भी गिवन होगा क्वेश्चन में, आर भी गिवन होगा कि क्वाइन कहां पड़ा हुआ है। आपको जो कंपटीशन देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये देखना है कि क्योंकि अगर ये बड़ा होगा इससे तो क्वाइन नीचे नहीं गिरेगा, और अगर ये बड़ा होगा नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि आपको लेफ्ट और राइट पे या तो ये कैलकुलेट करना है और एक ये कैलकुलेट करना है। आपको म्यू क्वेश्चन में गिवन है, जी क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेशन हो गई। आर पता है क्वाइन कहां पर पड़ा हुआ है, ओमेगा भी पता है, तो कैलकुलेशन होगी। तो अगर ये बड़ा है इससे क्वाइन गिरेगा, अगर ये बड़ा है इससे क्वाइन नहीं गिरेगा। तो एक क्वाइन 4 पे, एक 14 पे, चेक कर लेना कंपैरिजन करके कि क्वाइन गिरेगा या नहीं गिरेगा, वैल्यू सारी आपके सामने है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन कैसे करने हैं इसमें। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्वाइन वाला। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन तो रिपीट है, 200 न्यूटन वाला रिपीट है। ये नहीं करना क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल का है, हमने वर्टिकल सर्कल अभी किया नहीं, इसको छोड़ दें। ये भी नहीं करना, ये भी वर्टिकल सर्कल का हमने किया नहीं। ये कॉनिकल पेंडुलम है, इसमें लिखा हुआ है इट्स अ कॉनिकल पेंडुलम, और कॉनिकल पेंडुलम हमने लास्ट टाइम कर लिया था जिसमें कोन की तरह हम एक बॉडी को घुमाते हैं, ओमेगा निकालना है। तो पहले केस में ओमेगा निकालना है, स्पीड का मतलब एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है, दूसरे में टेंशन निकालनी है। कॉनिकल पेंडुलम के अंदर आपने देखा होगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा की वैल्यूज को इक्वेट किया है, तो वहां से कहीं से भी टेंशन निकालते ना आंसर आ जाएगा।
तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया।